पिता वो पेड़ है जो स्वयं धूप में रहकर अपनी संतान को छांव देता है। पिता वो पेड़ है जो स्वयं धूप में रहकर अपनी संतान को छांव देता है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, आज फादर्स डे है और आज का दिन पिता के नाम होता है। लेकिन क्या हर दिन पिता के नाम नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पिता जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, हालांकि कामयाब होने के बाद भी हमारा साथ देते हैं, हमारे आगे हर वक्त ढाल बनकर खड़े रहते हैं ताकि हम कामयाब हो सकें, हमारी तरफ कोई मुसीबत ना आए, और हर मुसीबत का सामना करने के लिए हर टाइम वो आगे रहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त, हर दिन को फादर्स डे की तरह मनाएं, ना कि किसी एक दिन को फादर्स डे की तरह मनाएं। और आप सब जानते हैं, एक पिता का कठोर होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर एक पिता ज़्यादा नरम दिल का होगा, मतलब माँ का नरम दिल का होना भी जरूरी है लेकिन पिता का कठोर दिल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर पिता कठोर दिल का नहीं होगा तो संतान बिगड़ जाया करती है। और जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े परिवारों के अंदर आपने देखा होगा, जिनके माँ बाप अमीर होते हैं वो अपने बच्चों को डांटते नहीं है, फटकारते नहीं, और उनका नतीजा उन्हें बाद में देखने को मिलता है। इसलिए मेरे दोस्त, एक पिता का कठोर होना भी जरूरी है, उसी के साथ साथ एक पिता जितना प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे दोस्त, पिता का सम्मान कीजिए, हर दिन को फादर्स डे की तरह मनाइए, हर दिन ही आप उनको सम्मान दीजिए ताकि उनको भी गर्व महसूस हो और उनकी हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं को मार दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, वो आपको अच्छा पहनाने, अच्छा खिलाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उन्होंने बुरा पहना, बुरा खाया, बुरा सब कुछ किया, क्योंकि उन्हें आपका जीवन सही बनाना था। अब आपका फर्ज बनता है कि आप पढ़ लिख कर अपनी स्किल्स को कामयाब करें, पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब या जो भी आप करना चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करें, और उन चीज़ों को हासिल करते हुए आप अपने पिता का नाम रोशन करें, आप उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें, जो जो वो करना चाहते थे आप हर काम उनको करने में साथ दीजिए। मान के चलो आपके पिता कहीं घूमने जाना चाहते थे तो आप जॉब लग गए, ऐसा नहीं कि आज आप कामयाब हो गए और कामयाब होते ही भी चलो शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। कामयाब होने के बाद 2-3-4 साल अपने परिवार को दें, अपने माता पिता को दें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं जितने आपके लिए कोई नहीं कर सकता, और उन सेक्रीफाइसेस को अगर आप निभाना चाहते हैं, अगर उन सेक्रीफाइसेस का आप बदला उतारना भी चाहते हैं, तो कम से कम 2-3 साल बाद उनको कहीं घुमाने लेके जाइए, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए ताकि वो भी खुश हो सकें और वो भी गर्व से कह सकें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो मेरे दोस्त, फादर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप हर दिन को फादर्स डे की तरह ही मनाएं। थैंक यू।